दोस्तों, प्रयागराज के माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन श्रद्धालुओं का जबरदस्त हुजूम उमड़ा है। प्रयागराज के संगम तट पर करीब 85 लाख लोगों ने स्नान किया। हालांकि प्रयागराज जिला प्रशासन को उम्मीद है कि करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग संगम तट पर डुबकी लगा सकते हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। इसका वीडियो सीएम योगी आदित्यनाथ ने शेयर किया। माघ मेले में मौनी अमावस्या पर भक्तजन सुबह से ही यहां स्नान करने के लिए उमड़ रहे हैं। वहीं मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में लोग संगम तट पर पहुंच रहे हैं। दिन निकलने के साथ ही श्रद्धालुओं की संख्या संगम तट पर लगातार बढ़ रही है। इस दौरान श्रद्धालुओं, कल्पवासियों और साधु संतों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी हुई। दोस्तों, मौनी अमावस्या पर माघ मेले में जबरदस्त सुरक्षा घेरा कसा गया है। ऐसी भीड़ में तलाशी लेना तो संभव नहीं है, इसलिए निगरानी पर जोर दिया जा रहा है। मेले में 500 से ज्यादा कैमरों का जाल बिछा है, जिनके जरिए कंट्रोल रूम से कोने कोने पर नजर रखी जा रही है। 4 ड्रोन कैमरे से हवाई सर्विलांस हो रहा है, तो गंगा यमुना में 50 से ज्यादा बोट पर पुलिस कर्मियों को मुस्तैद किया गया है, जो दूर दूर तक नजर रख रहे हैं। वहीं पुलिस के साथ स्नानार्थियों की सुरक्षा में भी मुस्तैद है। इनके साथ ही 72 सिपाहियों और सब इंस्पेक्टर की 36 टीमों की वर्दी पर लगे बॉडी वॉर्न कैमरों के साथ मेला जंक्शन और बस स्टैंड पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए 5000 से ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इसमें पुलिस के साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स, पीएसी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, होमगार्ड शामिल हैं। इसके अलावा सिविल डिफेंस और अपराध निरोधक कमेटी के भी स्वयंसेवक श्रद्धालुओं की सहायता में जगह जगह सक्रिय हैं। सुरक्षा के लिए एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और स्पेशल टास्क फोर्स के कमांडो मेले में लगातार गश्त कर रहे हैं। खास तौर पर संगम नोज के पास उन्हें अलर्ट पर रखा गया है। भीड़ के मद्देनजर स्नान के बाद फौरन श्रद्धालुओं को घाट छोड़ने के लिए कहा गया। श्रद्धालुओं ने सभी नियमों का बखूबी पालन किया और स्नान ध्यान के बाद घाटों को छोड़ दिया। इससे आने वाले सभी श्रद्धालुओं को बारी बारी अवसर मिलता रहा। इसके लिए मेला के प्रमुख मार्गों को वन वे कर दिया गया। माघ मेले में देश भर से आए श्रद्धालुओं को ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़े, इसी उद्देश्य से मेला क्षेत्र में ही 5 स्थानों पर पार्किंग स्थल है। यहाँ तक श्रद्धालु अपने वाहनों से पहुंचने के बाद संगम तक पैदल जाते हैं और स्थलों के भरने के बाद मेले की तरफ आने वाले वाहनों को मेला से बाहर नैनी, झुंसी, फाफा माऊ और शहर के अलग अलग स्थानों पर खड़ा कराया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।